अंधेशकों के मुद्दे को प्रिंट मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा है। ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया है नवग्रह टाइम्स। जी हां साथियों, ये हिंदी दैनिक समाचार पत्र है और ये गाज़ियाबाद से प्रकाशित होता है। शनिवार 27 अगस्त 2022 का ये पेपर है। इसमें बड़ी दमदारी से अंधेशकों के मुद्दे को हाईलाइट किया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव तो दूसरी तरफ भूख से बेहाल अंधेशक। साथियों, यहाँ पर एक शेर याद आता है, मुझे खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो मैं विस्तार पूर्वक इस समाचार की ओर चल रहा हूँ। इसमें साफ साफ जिक्र किया गया अंधेशकों की बेहाली। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज सुनाई दे रही थी। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर मनाए गए इस उत्सव को मनाने की तैयारी पिछले साल से चल रही थी, जिसमें सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए। एक तरफ जहां सरकार किसी उत्सव के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा तबका भी था जो भूख से अपने प्राण दे रहा था। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ाने वाले उन अंधेशक शिक्षकों की, जो मात्र 9000 के अल्प मानदेय पर अपना गुजारा कर रहे हैं। भूखे पेट भी रहना पड़ता है इनको। अपना और अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए रिक्शा चलाना पड़ता है, ऑटो चलाना पड़ता है, मनरेगा में काम करना पड़ रहा है, पकौड़े भी तलना पड़ रहा है। हम किस आज़ादी की बात करते हैं? ऐसी आज़ादी का क्या मतलब जहां तो चून की रोटी भी व मुश्किल नसीब हो रही हो। एक ही स्थान पर कार्य करने वाले और एक ही तरह का कार्य करने वाले लोगों के बीच इतनी ये भाव है, स्थिति क्यों है? एक को 60,000 रुपये तनख्वाह तो दूसरे को सिर्फ 9,000 रुपये। ये कहाँ का न्याय है? क्या हमारा देश इसी तरह से न्याय के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है? वसुधैव कुटुंबकम और समानता की बात करने वाली सरकारों से ऐसी उम्मीदें नहीं थी। भूखे भजन न होए गोपाला, अर्थात भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंधेशक शिक्षक इस दोहे को भी गलत साबित कर रहे थे। भूखे भी हैं और मन लगातार काम भी कर रहा है। प्रदेश के लाखों नौनिहालों को शिक्षित करने का जिम्मा जो इन्होंने उठा रखा है, उसकी बखूबी ये पूर्ति कर रहे हैं, उस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह इन अंधेशकों के बारे में बड़ी मार्मिक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का अंधेशक एक आज्ञाकारी शिक्षक की तरह आज्ञाकारी नागरिक भी है, जो न्यायालय की तरफ टकटकी लगाकर न्याय की आस में बैठा हुआ है। अंधेशक चाहता है कि जो न्यायालय उसे 17,000 रुपये का आदेश दिया है, अब उस आदेश को सरकार मान ले और अंधेशकों का 17,000 रुपये मानदेय दे दिया जाए। सरकार जो इतना समय अंधेशकों के खिलाफ केस लड़ाने में लगा रही है, यही समय आतंकवादियों के विरुद्ध करती तो मुझे लगता है अब तक बहुत बड़ा सुधार हो पाता। सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास करने वाले लोग कैसे इन अंधेशक शिक्षकों के साथ ये अन्याय कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन सरकार ध्यान दे इन अंधेशकों के तरफ और आदेश का पालन करना चाहिए। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया, आदेश के विरुद्ध कानून की लड़ाई लड़ रही है सरकार। सरकार को इन अंधेशकों को 17,000 देने में क्या समस्या आ रही है? अंधेशकों को इतना दे दे ताकि उनका भरण पोषण हो सके, अपना जीवन चला सके। एक तरफ हम आज़ादी के
75वें पूरे होने पर जश्न मनाते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहीं अनुदेशक जहर खाने पर मजबूर हैं। जिंदगी कितनी कठिनाई से मिलती है, लेकिन अनुदेशक जिंदगी ख़त्म कर रहा है। अनुदेशक शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति है, वो अपराध भी नहीं कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है कि दिन में पढ़ाए और रात में डांका डाले। वो तो अपने हक की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ रहा है। अब मोदी जी को, योगी जी को, शिक्षा मंत्री जी को चाहिए कि वे अनुदेशकों की मांग पूरी करें, उनकी पुकार को सुन लें और उनकी भरपूर मदद करें, मानदेय 70,000 देने की जल्द से जल्द घोषणा करें। यही प्रार्थना है यूपी सरकार से। साथियों, लगातार 5 वर्ष हो गए हैं अनुदेशकों को संघर्ष करते हुए। इधर अनुदेशकों का कहना है कि देर है, अंधेर नहीं है, हम विश्वास है कि हम एक दिन अवश्य अपनी इस लड़ाई को जीतेंगे कानूनी तौर से। इसी बीच आज तक ने भी इस समाचार को पूरी तरीके से दिखाया अपने चैनल के माध्यम से और देश और दुनिया में अनुदेशकों की आवाज़ को उठाया है। हम समस्त मीडिया के बंधुओं को प्रणाम करते हैं। इसका साथ ही स्पेशल थैंक्स सत्यपाल सिंह कौशिक जी को, नवग्रह टाइम्स हिंदी दैनिक समाचार पत्र गाज़ियाबाद, जिन्होंने अनुदेशकों के मुद्दे को प्रिंट मीडिया में इतने विस्तारपूर्वक, इतनी दमदारी से पहली बार प्रकाशित किया है। तो साथियों, लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर ये पोस्ट आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बने रहिए हमारे साथ अनुदेशक न्यूज़ पर। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।